हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। मतलब मैंने सोचा मैं अपनी खुशी का मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूं। खुशी कह लें या मेरी खुशकिस्मती कह लें कि गुनाहगार से लोग हैं हम, तो अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि वो हमें अपने घर बुला रहे हैं। तो कल हमारी फ़्लाइट है, तो आज मुझे पैकिंग करनी है वो अपनी उम्रे पे जाने के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे अपने घर आने की इजाज़त दी। तो अल्लाह सबको नसीब करे अपने घर बुलाए और सबको सबके नसीब में करे उम्रा। तो आज मुझे पैकिंग करनी है, तो मैंने सोचा मैं साथ अपनी व्लॉगिंग कर लेती हूँ, साथ में आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या रख रही हूँ और उम्रे के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। सो अभी मैं उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, नाश्ता वगैरह किया है, नमाज़ वगैरह पढ़ी है। आज हमारे यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत सर्दी है, तो मैंने कैप पहन ली। तो मेरी वीडियो में आपको पीछे म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ रही होगी, मैं आपको दिखाती हूँ ये म्याऊं म्याऊं कौन है। मैंने अपनी गली में जितने भी कैट्स हैं सबको दोस्त बनाया हुआ है, तो उनके लिए मैं कैट फूड, उनके लिए दूध, उनको जो भी कुछ मुझे समझ में है मैं उनको देती हूँ। तो वो मैडम आ गई हैं, उनको मेरी आवाज़ आ रही है, इसलिए वो म्याऊं 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 कर रही हैं। सो अभी हम मैं आपको दिखाती हूँ वो छोटा सा बेबी। तो जी ये हैं वो दो कैट्स जो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। हाँ ना बेटा, दूध पी लो। ये देखो कितनी क्यूट है। अभी तो सिर्फ ये दो हैं, मैंने इसको दूध दिया लेकिन जी मैडम को दूध नहीं पसंद। तो ये अभी मैं बॉलनेस बना रही थी, मैक्रोनीज बनाने लगी हूँ। तो मुझे अपनी कैट्स का ख्याल आया, तो मैंने उनके लिए अलहदा सी लेके आती हूँ चिकन। तो मैं अब उनको ये डालूंगी, तो अब देखना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। देखिए ये यहाँ पे बैठी रहती है, ये आज है 16 नवंबर, और ये जो आपको पहले आपने वीडियो देखी है 15 नवंबर की। मेरा मूड बहुत अच्छा था, मैं अपनी पैकिंग वगैरह कर रही थी, बहुत एक्साइटेड थी मैं। बट मेरी आपी का मुझे मैसेज आया, उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। मतलब अल्लाह का डर तो हर किसी को होता है, बट अब मुझे ट्रिपल क्या बल्कि उससे भी ज़्यादा होना शुरू हो गया है अल्लाह का डर लगने लग गया। कल हमारी कैट ओडे, जो जो मुझे जानते हैं उनको तो पता होगा कि हम अपनी कैट्स के साथ कितना अटैच हैं, तो उसकी डेथ हो गई है। काफ़ी बीमार थी वो, उसका हम इलाज वगैरह भी करवा रहे थे बट नहीं, वो नहीं कर सकी, शायद वो ज़्यादा कमज़ोर थी इसलिए। तो कल भी हॉस्पिटल लेके जा रहे थे उसको, तो रस्ते में उसकी डेथ हो गई। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा था, जिन्होंने कैट्स या जो एनिमल से प्यार नहीं करते उनके लिए एक आम बात होगी कि कैट के लिए आप हो रहे हैं। लिटरली मैं इतनी परेशान थी कि मैंने रात को कुछ नहीं खाया और ऐसे ही बस मैं अपना सो गई, और सर में इतनी दर्द थी, बहुत दुख है मुझे, ऐसे लग रहा है घर का कोई अपना फर्ज चले गया। तो मैंने कोई पैकिंग नहीं की, हालांकि आज हमारी फ़्लाइट है और मुझे था कि मैं कल अपनी पैकिंग करके फ्री हो जाऊंगी, तो मैं इतनी डिस्टर्ब थी मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अब पैकिंग करूंगी आज मैं, और खुश होने का ज़रा भी दिल नहीं कर रहा। ठीक है, अल्लाह को मंजूर, वैसे भी अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं अल्लाह के पास, तो पैकिंग करते हैं। ये है जी मेरा बैग और ये है जी मेरे हस्बैंड का बैग। तो पैकिंग होगी, पैकिंग अभी तो 8 बजे की फ़्लाइट है हमारी रात की, तो अभी जो जो मुझे समझ में आ रहा था मैंने वो रख ली। अब काफ़ी टाइम है, अगर कुछ याद आएगा तो मैं और रख लूँगी। एहराम भी रख लिए, अपने कपड़े भी रख लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और मेडिसिन वगैरह सब कुछ रख लिया। ये मैंने अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े निकाल लिए हैं, इतने कंफर्टेबल कपड़े मैंने इसलिए निकाले हैं, इतने कंफर्टेबल कपड़े मैं इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि उसके ऊपर पहनूंगी मैं अबाया, और जिन्होंने मुझे अबाया में नहीं देखा वो मुझे अबाया में देखेंगे इंशाल्लाह।
और आज हमारी 8 बजे की फ्लाइट है। उस 8 बजे फ्लाइट में बैठेंगे और हम पहुंचेंगे ताइफ। ताइफ में हमारा 1 नाइट स्टे है। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे जाएंगे मक्का। मक्का में हम पढ़ेंगे जुम्मा। उसके नेक्स्ट डे जाएंगे हम मदीना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी मक्का और मदीना की और ताइफ की वीडियोस देखें तो मेरे हमारे साथ रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। एक बात मैंने बतानी थी कि मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, बट मैंने वीडियो बना ली थी तो मैंने कहा मैं लास्ट में इसको लगा दूंगी। आज है 16 दिसंबर, बट मैं अपनी वीडियो में कह रही हूँ 16 नवंबर, क्योंकि मुझे टेंशन से परेशानी से याद ही नहीं रहा कि डेट क्या है। तो बस ये सिर्फ ओडे की परेशानी है। ओडे उसका निक नेम है, उसका नेम है चेरी। तो मिस यू सो मच। वैसे भी वो जहाँ गई है वो अच्छी जगह पे गई है। तो जिसने ऑडियो नहीं देखी, मैं उसको लास्ट में पिक्चर्स लगा रही हूँ, आप देख लें। और लिटरली आपको भी प्यार हो जाएगा। वो इतनी प्यारी, इतना छोटा काका था हमारा। मिस यू सो मच।